अमेरिकन एक लेडी है जो टिकटॉकर है, ब्लॉगर है। उसकी पाकिस्तान के एक लड़के के साथ हो जाती है दोस्ती। यहाँ तक तो सब बढ़िया है, सब फर्स्ट क्लास है। अरबेला, आपको कैसा लगा हमारा पाकिस्तान? जबरदस्त है। कोई तारीफ इसके बारे में? मुझे बहुत पसंद है, ये नेचर अच्छा है, लोग अच्छा है, खाना अच्छा है। आप कहाँ आए हुए हैं इस वक्त? मैं अमेरिका से हूँ। नहीं नहीं, आए कहाँ हुए हैं? आए ये कौन सी जगह है? ये फोर्ट मनरो है। फोर्ट मनरो है। चूँकि महिला ब्लॉगर थी तो उसने सोचा क्यों ना पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को एक्सप्लोर किया जाए, पाकिस्तान की एक सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया के सामने पेश की जाए और पाकिस्तान के बारे में ये बताया जाए कि जो पाकिस्तान की दुनिया जैसा देखती है पाकिस्तान वैसा नहीं है, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अच्छा मुल्क है, वहाँ के लोग अच्छे हैं। तो ये इन अमेरिकन मोहतरमा की थी सबसे बड़ी गलतफहमी। मगर क्यों? 20-21 दिन घूमने के बाद इनका जो मित्र था वो इनको लेके गया अपने गाँव, और अपने गाँव में ले जाके उन्होंने हलाला कर दिया मैडम का। और हम इंसान भी? आपके लिए, मेरे लिए, पूरी दुनिया के लिए ये हरकत बहुत घिनौनी हो सकती है कि एक दोस्त को बुलाया USA और आके इस टाइप का काम कर दिया, उसके साथ उसका भरोसे को तोड़ दिया। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए एक आम सी बात है, कॉमन सी बात है ये, क्योंकि ये जो कर रहे हैं इनके नज़रिए में वो बिल्कुल सही है। अब सबसे पहले तो ये देख लीजिए आप, ये माजरा है क्या। अरबेला, आपको कैसा लगा हमारा पाकिस्तान? जबरदस्त है। कोई तारीफ इसके बारे में? मुझे बहुत पसंद है, ये नेचर अच्छा है, लोग अच्छा है। 6.5 hours later सबसे पहले आपको बताएं, डीजी खान फोर्ट मनरो में अमरीकी सयाह खातून से मुबैना ज्यादती का मामला, पॉलिटिकल असिस्टेंट ने रिपोर्ट कमिश्नर डीजी खान को भेज दी है। रिपोर्ट के मुताबिक खातून पर तशद्दुद के निशानात नहीं पाए गए। मुलजिम मुजम्मिल शहजाद ने बयान दिया कि अमरीकी खातून के साथ ताल्लुकात थे, फोर्ट मनरो पर जो हुआ दोनों की मर्जी से हुआ। मुबैना ज्यादती का शिकार होने वाली सयाह का कहना है कि जिस दोस्त पर भरोसा किया जा सकता था उसने घिनौना काम किया, शायद ही वो कभी इस ज़हनी कैफियत से बाहर निकल सके। उम्मीद है इस मामले में इंसाफ मिलेगा। I feel deeply disturbed by the fact that a friend that I know for such a long time, who was trying to portray a positive image of this beautiful country to foreign travelers, and who seemed so trustworthy, could do such a vile, such a horrible act. And I am not sure if I can ever recover from the mental scars, but I hope there will be brought justice to this case. I am not going to lie, the legal proceedings are very stressful, very exhausting. But so far, they have been quite smooth, quite efficient, but I really hope it will continue this way and it will eventually lead to justice. इस वाक्य के हवाले से जो अभी तक हमारे तक मालूमात पहुंची हैं, तो इस खातून का नाम है अरबेला उर्पी और ये अमेरिका की रहने वाली है। 21 साल इसकी उम्र है और ये पाकिस्तान आई थी घूमने फिरने के लिए। और एक मालूमात ये भी है कि इसकी पाकिस्तान के एक राजनपुर का लड़का है मुजम्मिल सिपरा शहजाद, उससे दोस्ती हुई। वो लाहौर ही रहता था, वहाँ पढ़ता था। तो खातून की सोशल मीडिया पर उससे दोस्ती हुई, वो अमेरिका से जो है वो इस्लामाबाद आई, इस्लामाबाद से लाहौर आई और उसके साथ उसने 3 हफ्ते लाहौर गुजारे, और जिसके बाद उसने उसको दावत दी कि वो उसके आबाई इलाके राजनपुर आए, जहां वो राजनपुर आई और उसने उसकी फैमिली के साथ भी 5 दिन गुजारे। तमाम अरबेला उर्पी की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई है बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की तरफ से, जो बॉर्डर पुलिस होती है उसके थाना फोर्ट मंडरू में दरख्वास्त दिया, उसमें उसने यही लिखा है कि वो वहाँ घूमने गए फोर्ट मंडरू और 17 तारीख की शब को वो एक होटल में ठहरे और इस दौरान जो है वो मुजम्मल और उसके एक दोस्त अजान खोसा, उसने उसके साथ बेहुरमती की और उसकी उन्होंने वीडियो भी बनाई और उस पर जो है उसको ब्लैकमेल करते रहे, इसलिए उसने मुकदमे की जो है वो दरख्वास्त दी, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से जो मुलजिम है मुजम्मिल उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, अजान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, दोनों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है। मजिस्ट्रेट ने उनको 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर जेल भेज दिया गया, जिनसे तहकीकात जारी है। जबकि पुलिस ने दूसरी तरफ जो है वो खातून का भी मेडिकल करवाना का जो है वो हुक्म काम शुरू कर दिया है अदालत के हुक्म पर, और इस हवाले से मेडिकल रिपोर्ट में जो है वो तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी। तहम इस हवाले से उन्होंने इंतजामिया का पोल खोल दिया कि गैर मुल्की खातून जो है वो डीजी खान कैसे दाखिल हुई, क्योंकि डीजी खान में गैर मुल्कियों का दाखिला जो है वो सख्ती से मना है, और अमरीकी खातून जो है वो वहाँ कैसे पहुंची और उससे इसकी कैसे दोस्ती हुई। वो इकट्ठे जो है वो 3 से 4 हफ्ते इकट्ठे घूमते रहे और फिर खातून की जानिब से
ज्यादती का इल्जाम लगाना, इस हवाले से जो है वो तहकीकात होनी चाहिए। इस हवाले से आई जी पंजाब, वजीर अला पंजाब ने भी नोटिस ले रखा है, जबकि अमेरिकन एम्बेसी भी इंतजामिया से रबते में है। पुलिस का यही कहना है इस हवाले से, जो डिप्टी कमिश्नर डी जी खान है वो खुद इस वाकये की तहकीकात कर रहे हैं, इस हवाले से शवाहद इकट्ठे कर रहे हैं ताकि जो सच है वो सामने लाया जाए। जी अरबेला, आपको कैसा लगा हमारा पाकिस्तान? मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। तो मोहतरमा की जो गलत फहमी थी पाकिस्तान की एक सुंदर छवि पूरी दुनिया को दिखाने की और पाकिस्तान के लोगों को ये बताने की कि नहीं, पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं, बहुत ख्याल रखने वाले होते हैं, तो इस मैडम की सारी गलत फहमी तो इस बंदे ने निकाल दी। ऐसे ही हमारे देश के अंदर भी बहुत सारे शांति के कबूतर कौवे उड़ाने वाले हैं यहाँ पे कि भारत और पाकिस्तान दोस्त होने चाहिए, ये होना चाहिए, उनमें बिजनेस होना चाहिए, उनमें ट्रेड होना चाहिए, अमन बहाली होना चाहिए, रास्ते खुल जाने चाहिए, दरवाजों में बिना वीजा के आना जाना चाहिए। जब ही सोची जो जिहादी, पाकिस्तान के जो जिहादी है जिनमें जहनीत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, जो दिमाग से पैदल होती है, जो जज्बातों को सबसे ऊपर रखते हैं और इनको ये लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर कि सिर्फ इस्लाम ही सबसे ऊपर है, इस्लाम को मानने वाला सबसे ऊपर है और बाकी जो भी लोग हैं जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते वो सब बेगैरत है, जहन्नमी है, अल्लाह उनको आग में जलाएगा। जिस माइंड सेट के साथ में ये रहते हैं और वो माइंडसेट जब इंडिया के अंदर आवन जावन करने लगेगा तो सोचिए इस देश का क्या हाल कर देंगे। अपने मुल्क को तो इन्होंने गंदा कर रखा है, अपने मुल्क को तो कचरा घर बना रखा है इन्होंने, तो हमारे देश को भी कर देंगे। और जैसा इस अमेरिकन महिला के साथ हुआ ऐसा पाकिस्तान के अंदर लगभग हर महिला के साथ होता है, वहाँ आवाज़ को दबा दिया जाता है, वो कभी सामने नहीं आ पाती है क्योंकि उसके रीज़न ये है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर हम पुलिस कोर्ट कचहरी करेंगे तो हमारी और बदनामी होगी पूरे परिवार में, समाज में। तो काफ़ी महिलाएँ जितने केस दर्ज होते हैं पाकिस्तान में उससे चार गुना केस तो दर्ज होते ही नहीं है। अब आप ही मुझे बता दीजिए कि अमेरिकन लेडी जो पाकिस्तान में गई है आज के बाद कोई और लेडी वहाँ पर जाना पसंद करेगी? क्या पाकिस्तान में जाना चाहिए? वो सब आप बताएंगे भैया। ठीक है, और आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश में कमेंट कीजिए ताकि जो दुनिया भर के लोग जो देखते हैं वीडियो को उनको भी पता चले कि आखिर आप बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, और कमेंट करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप हैशटैग यूज मत कीजिए, यूट्यूब हैशटैग को कमेंट सेक्शन में अलाउ नहीं करता है। आप हैशटैग लगाएंगे आपका कमेंट किसी को नहीं दिखेगा। दूसरा, ये गाली गलौज मत लिखिए क्योंकि वो सब स्पैम में चला जाता है, यूट्यूब स्पैम को भी प्रमोट नहीं करता है। आप किसी का भी वीडियो देखे वहाँ पर ये चीज़ मत कीजिए क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है, यूट्यूब का जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया, इन कमेंट्स को उठा के वो स्पैम में फेंक देता है। तो आपको तो लगता है कि आपने कमेंट किया लेकिन आपका कमेंट कभी पब्लिश ही नहीं होता है। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक मेरे से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।